पहुंच चुके हैं इस वक्त तेउथर में, और हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न सामाजिक कार्यों में अपनी सहभागिता निभाने वाले एक पत्रकार प्रवीण शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। और हम जानने का प्रयास करेंगे कि तेउथर में जो 2023 में चुनाव होने वाला है उसके समीकरण को लेकर किस प्रकार से क्षेत्र में माहौल है, किस प्रकार से परिवर्तन अथवा पिछली जो सरकारें थीं किस प्रकार से विकास कार्य संभव हो पाया, क्या चुनावी इतिहास रहा है, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पर, और आपसे मैं जानने का प्रयास करूंगा किस प्रकार से तेउथर के समीकरण वर्तमान 2023 के चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप। देखिए, जैसा कि अभी 2 महीने बाद पूरे प्रदेश के साथ साथ हमारे तेउथर में भी चुनाव होने वाले हैं, तेउथर का जो राजनीतिक आपने बात की है कि चुनावी समीकरण या चुनावी माहौल 2 महीने बाद का, तो आज तो अमूमन आम जनता परेशान है, जनता के समस्याओं पे कोई गौर नहीं कर रहा, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तेउथर की बिजली की सबसे बड़ी समस्या है, किसानों की सबसे बड़ी समस्या है ऐरा प्रथा, ऐरा जो जानवर है उनकी बहुत बड़ी समस्या है, स्वास्थ्य की बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि शासन ढिढोरा पीट रहा है, शासन बोल रहा है कि हमने बिल्डिंग बनाने का काम किया है, हमने 8 लाख 10 करोड़ रुपए दे दिया है, बिल्डिंग बन रही है, लेकिन बिल्डिंग बनने से नहीं होता, वहाँ की व्यवस्था बड़ी लचर है, डॉक्टर नहीं है वहाँ, पूरा स्टाफ नहीं है, नर्स नहीं है। आज जो है तो वहाँ मरीज, गंभीर मरीज जो है तो रेफर सेंटर बन चुका है, उसका इलाज नहीं हो सकता है। मलेरिया जैसी बीमारी हमारे तेउथर अस्पताल में ठीक नहीं हो सकती है, न वहाँ उचित दवाइयाँ हैं, न डॉक्टर हैं, और कई बार तो ये है कि ऐसा लगता है कि ये इसको अस्पताल भी बोलें या ना बोलें, हमारे जो रोड छाप डॉक्टर होते हैं, जो सड़क छाप डॉक्टर हैं, जिनको हम झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं, जो बेचारे कई बार जनता की जान बचाने का प्रयास करते हैं, उससे भी ज़्यादा सुविधा जो है तो अस्पतालों में मिलती है। तो ये तेउथर की वर्तमान हालत है, और कहीं ना कहीं जो है तो ये जो सरकारें हमारी हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, उनकी देन है, और उनको इस पे लगाम लगाना चाहिए, शायद वो नहीं लगा पाए। जैसा कि क्षेत्र में जो आम लोगों की मूलभूत जो समस्याएं होती हैं उस पर किस प्रकार से पहल हो पा रही है, मूलभूत समस्याएं जैसे सड़क, नाली, पानी और भी जो सुविधाएं एक आम व्यक्ति को मिलनी चाहिए, किस प्रकार से उस पर फोकस किया गया है? सरकार बजट जन सुविधा के नाम पे, विकास के नाम पे बहुत देती है और बहुत दे रही है, इसमें कोई शक नहीं है। सरकारें पिछले सरकारों की अपेक्षा विकास के लिए बहुत बजट दिया है, लेकिन सवाल ये है कि काम के साथ साथ अगर गुणवत्ता विहीन काम है तो उस पर भी सवाल उठाया जाएगा, और उस पर भी सवाल आम आदमी भी उठाएगा और मीडिया वाले भी उठाएंगे और एक जागरूक इंसान उठाएगा। गुणवत्ता में कमी आई है, शासन प्रशासन की गुणवत्ता में कमी आई है, और जितने भी आज चाहे तो हम जनपद की बात करें, चाहे नगर पालिका की बात करें, नगर परिषद की बात करें, बजट बहुत है, काम चारों तरफ हो रहे हैं, लेकिन गुणवत्ता पे लगातार सवाल उठ रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से ये प्रयास करूंगा शासन प्रशासन तक कि उस पे भी फोकस किया जाए, गुणवत्ता पे फोकस किया जाए, और कोई भी काम समय पे नहीं हो रहा है, अपने समय अवधि को क्रॉस कर रहा है, इस पर भी ध्यान जो है तो सरकार का होना चाहिए, जिम्मेदारों का होना चाहिए, चाहे वो राजनीतिक जनप्रतिनिधि हो, चाहे गैर राजनीतिक व्यक्ति हो जो शासन प्रशासन पे दखल करते हो। जैसा कि आप पत्रकारिता के क्षेत्र में भी संबंध रखते हैं और सामाजिक कार्यों में भी आपकी सहभागिता रहती है, हम जानने का प्रयास करेंगे और हमारे दर्शक भी जानने के लिए इच्छुक हैं कि जो यहाँ की जो राजनीतिक इतिहास है इसके बारे में किस प्रकार से विस्तार पूर्वक आप बता सकते हैं। जी, मैं आपको बताऊं, उससे पहले थोड़ी कहना चाहूँगा, वर्तमान में तेउथर की जो सबसे बड़ी मांग है, जनता की मांग है, वो है ज़िले की कि तेउथर जिला बने। तेउथर में राष्ट्र रक्षा जिला निर्माण मंच करके एक संगठन है जो तेउथर को जिला बनाने की बात करता है, और उसमें बहुत सारे राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तेउथर के लोगों के 5-6 वर्षों से इसके लिए आंदोलन भी चल रहा है। तो सबसे बड़ी जो हमारी मांग है वो जनता की भी मांग है, तेउथर को ज़िला बनाया जाए। मैं चाहूँगा कि आने वाली जो सरकारें हों वो तेउथर को ज़िला बनाने
पे पहल करें और जो त्योंथर के उम्मीदवार आएँ वो भी इस पर भी अपने विचार व्यक्त करें और इस पर पहल करें। फिर इसके बाद आपका प्रश्न त्योंथर के राजनीतिक इतिहास पे है, तो त्योंथर का राजनीतिक इतिहास देखिए, हम सीमांचल उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं और उसकी जो राजनीतिक हवा होती है हमारे त्योंथर में अक्सर उसका भी जो है यहाँ पे असर हुआ है। और अभी जो चुनाव होगा जी, अभी जो चुनाव होगा मध्य प्रदेश में 2023 में, ये 15वीं विधानसभा का होगा, ये 15वीं विधानसभा का होगा। हालांकि हमने अब तक 15 विधायक चुने हैं मध्य प्रदेश, हमारे त्योंथर विधानसभा में अब तक 15 विधायक चुने गए हैं, लेकिन 1952 का जो चुनाव था, 1952 का चुनाव, प्रथम चुनाव वो तब हुआ था जब हम विंध्य प्रदेश में थे, मध्य प्रदेश तब नहीं बना था। 4 अप्रैल 1948 को आज़ादी के बाद 4 अप्रैल 1948 को हमारा विंध्य प्रदेश बना, उसमें हम शामिल थे, रीवा राजधानी थी। और 1952 में पहली बार चुनाव हुआ, हमारे त्योंथर के ही राणा शमशेर सिंह उसके प्रथम विधायक चुने गए। फिर बहुत सारी पार्टियों का आना जाना लगा रहा। अमूमन अभी तक जैसा कि आज बीजेपी का यहाँ पे गढ़ है, बीजेपी का गढ़ माना जाता है, अब तक लगभग यहाँ पे 7 या 8 बार कांग्रेस चुनाव जीत चुकी है, एक बार जनता दल जीती है, एक बार बीएसपी जीती है, और स्वर्गीय रमाकांत तिवारी जी अपने राजनीतिक जीवन में 4 बार चुनाव जीते हैं, 2 बार 3 बार बीजेपी से जीते हैं, 1 बार कांग्रेस से जीते हैं, और वर्तमान में अभी हमारे पंडित श्यामलाल द्विवेदी जी हैं, वो बीजेपी के विधायक हैं। एक जानकारी के अनुसार पहले यहाँ पूर्वांचल और पश्चिमांचल 2 विधायक हुआ करते थे, इसके बारे में क्या जानकारी आप देना चाहेंगे? जी हाँ, आपने बहुत सही सवाल किया है ईशु जी, बहुत कम लोगों को ये जानकारी होगी ये, और आपके माध्यम से जो हमारे युवा साथी हैं, युवा भाई हैं, उनको भी ये जानना चाहिए। 1952 में जब चुनाव हुए थे तब विंध्य प्रदेश था, और 12 विधानसभा सीटों में 2-2 विधायक चुने गए थे। 1952 में जब मध्य विंध्य प्रदेश में चुनाव हुआ था तो 12 विधानसभा में 2-2 विधायक चुने गए थे। हमारे रीवा ज़िला में हमारा त्योंथर और मऊगंज में 2 विधायक चुने गए, 2-2 विधायक चुने गए थे। इस तरह से हमारे त्योंथर में 2 विधायक चुने गए थे, एक हमारे पूर्वी से और एक पश्चिमी से। पूर्वी से विधायक चुने गए थे राजेश्वरी प्रसाद मिश्रा जी थे, वो सुहागी के रहने वाले थे, और पश्चिमी से ठाकुर राणा शमशेर सिंह जी चुने गए थे, और दोनों विधायक कांग्रेस पार्टी के थे। और देखिए ताज्जुब की बात ये है ईशु जी, आप पत्रकार हैं, आपको भी जानना चाहिए, आपको विधायक राणा शमशेर सिंह उतना वोट पाए थे जितने वोटों में लोग आजकल सरपंच बन जाए करते हैं और पार्षद बन जाए करते हैं, आप जानना चाहेंगे कितना वोट पाए थे वो? जी भाई, वो 1,505 वोट, 1,505 वोट पा करके निर्वाचित हुए थे, और उनका जो प्रतिद्वंदी थे वो 966 वोट पाए थे। ये उस समय की बात, ये उस समय की बात है जब आज़ादी के बाद पहली बार चुनाव हुआ था जी। और हमारे जो पूर्वी इलाके से जो विधायक थे राजेश्वरी प्रसाद मिश्रा जी, वो 3800 कुछ वोट पाए थे। जैसा कि जो चुनावी इतिहास आप बता रहे हैं, ऐसा कुछ और भी क्या कुछ जानकारी है जो हमारे दर्शकों को जानकारी में होना चाहिए? समाज में वो जानकारियाँ विलुप्त तो होती जा रही हैं, ऐसी और किन जानकारियों को आप साझा कर सकते हैं? जी हाँ, 1972 में विधायक चुने गए थे त्रिवेणी प्रसाद मिश्रा जी, ये जानना राजनीतिक इतिहास में ज़रूरी है, जो इंटरेस्ट रखते हो, रुचि रखते हो। 1972 में त्रिवेणी प्रसाद जी पहली बार यहाँ से विधायक बने और जनसंघ का भी खाता खुला, जिसे हम आज भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, उसका खाता खुला। और अभी तक जितने भी विधायक हमारे चुने गए हैं वो पहले ऐसे विधायक थे जो समय पूरा नहीं कर पाए थे।
मार्च 1972 को विधायक बने और मार्च 1975 को उनका देहांत हो गया। 3 साल वो विधायक थे, भोपाल में उनका देहांत हुआ और पहली बार ऐसा हुआ कि हमारा कोई निर्वाचित विधायक अपने कार्यकाल में ही जो है तो हमारे बीच से चला गया। बताया जाता है कि वो बहुत बुद्धिजीवी थे, बहुत होशियार थे, बहुत योग्य थे और अगर वो होते तो हमारे विधानसभा की, हमारे क्षेत्र की तस्वीर कुछ अलग होती, ऐसा लोग बताते हैं उनके बारे में। और नई पीढ़ी उनको तो देख नहीं पाई, काश वो होते। और फिर चुनाव नहीं हुए, मध्यावधि चुनाव होना चाहिए था, मध्यावधि चुनाव नहीं हुए क्योंकि देश में आपातकाल था, इमरजेंसी लगी थी। 3 साल में चुनाव हुए, नियम से चुनाव मध्यावधि चुनाव होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। कि फिर इसके बाद 1972 के बाद 1977 में चुनाव हुआ और चुनाव मध्यावधि इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपातकाल देश में लगा हुआ था। और 1977 में चुनाव हुए, 1977 में पंडित श्रीनिवास तिवारी यहाँ के विधायक चुने गए। वर्तमान में क्या आवश्यकता है तेउथर के लिए? चुनाव 2023 का 2 महीने बाद होना है, वर्तमान में जनता का क्या मूड है? किन विकास कार्यों पर मतदान होगा या फिर जाति समीकरण में जिस प्रकार से यहाँ चर्चाएं जाति समीकरण में मतदान होते हैं, क्या कहना चाहेंगे, आपका इस विषय में क्या सुझाव है? यह तो स्पष्ट है, देखिए जैसे हम गुरुत्वाकर्षण को नहीं नकार सकते, गुरुत्वाकर्षण को नहीं नकार सकते, उसी भी ढंग से राजनीति में जातीय समीकरण तो नहीं नकार सकते हैं। और आज से नहीं, बहुत दिनों से है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम उत्तर प्रदेश की सीमा पे हैं और वहाँ की जो भी राजनीतिक गतिविधियाँ, जो भी जैसी भी हवा होती है, उस यहाँ भी उसका असर पड़ता है। तेउथर नहीं पूरा रीवा, बल्कि ये कहें कि बिंध में जाति बोलबाला रहता है चुनाव में, राजनीति में, और इससे हमारा तेउथर अछूता नहीं है। कुछ असर राजनीति में जाति का भी रहता है लेकिन आम तौर पे जनता उसी को पसंद करती है, उसी नेता को पसंद करती है जो सर्वहारा वर्ग का हो, जो हर जाति समाज को लेके चलने वाला हो और जिसकी सोच विकास की हो, जिसकी सोच जो है तो हर व्यक्ति के साथ खड़ा होने की हो, हर व्यक्ति के साथ अच्छा उसका व्यवहार हो। कुछ परसेंट, 10-20% जो भी हो, थोड़ा बहुत राजनीति में जाति काम करता है लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि उसकी छवि भी जो है तो काम करती है, उसकी मानसिकता भी काम करती है। अगर अच्छी सोच का देता है वो तो किसी को भी जो है तो यहाँ पे BSP का विधायक चुने गए हैं, राम गरीब आदिवासी चुने गए हैं, राम लखन जी चुने गए हैं, तो हर व्यक्ति, हर जाति, हर दल के लोग यहाँ पे चुने गए हैं। आज पहली बार जब चुनाव हुआ था तो ठाकुर राणा सिंह चुने गए थे, आपके कमलेश्वर सिंह जी चुने गए थे, बसपति सिंह जी चुने गए थे, हर जाति के लोग यहाँ पे चुने गए हैं। तो हम तो नहीं मानते, यहाँ पे अच्छे लोग भी हैं, हम हर विचारधारा को स्वीकार करते हैं। तेउथर जो है नई विचारधारा को स्वीकार करता है। तेउथर कभी लीक में चलने की बात तेउथर में कभी नहीं रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा इस भाई कि तेउथर को कभी केरल बोला जाता था। तेउथर को कभी जो है आज़ादी के बाद जो है तो लगभग 2.5 दशकों तक तेउथर को केरल बोला जाता था। वो इसलिए बोला जाता था कि तेउथर में लाल झंडे का बहुत ज़बरदस्त वर्चस्व था यहाँ पे। हालांकि यहाँ से कभी लाल झंडा विधायक नहीं बन पाया, यहाँ से कभी जो है तो कम्युनिस्ट के लोग विधायक नहीं चुने गए, लेकिन यहाँ पे एक नेता हुआ करते थे, आज भी लोग उनको याद करते हैं, कॉमरेड गंगा सिंह चौहान, जिनके एक आवाहन में हरिजन आदिवासी जो है तो 5-5, 10-10 हज़ार की भीड़ इकट्ठा हो जाया करती थी। ना उस समय मोबाइल था, ना उस समय कोई संचार तंत्र था, एक संदेशी संदेशा में ही जो है तो 8 हज़ार लोग इकट्ठा हो जाया करते थे। तो देखिए, फिर इसके बाद BSP आई, फिर इसके बाद जनता दल आई, तो तेउथर विधानसभा की ये खूबी रही है कि हर नई राजनीतिक विचारधारा को तेउथर ने स्वीकार किया है। तो अभी हमारे साथ मौजूद थे तेउथर के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण शर्मा जी।
जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में भी लंबे समय से इनका संबंध बना हुआ है। आज हमने तेउथर की राजनीतिक समीकरण और राजनीतिक इतिहास के साथ साथ यहाँ के विकास के मुद्दों पर भी हमने बात की है। बने रहे हमारे साथ, एक नई कड़ी के साथ आपके साथ पुनः मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।